गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी तरफ से आप सबको चांद रात मुबारक। सो आज चांद रात है और आज बहुत सारे काम हैं करने को, बहुत थकी पड़ी हूँ मैं। सुबह ईद की तैयारी करनी है और मैंने सोचा आप लोगों के साथ करते हैं ईद की तैयारी। यार इस दफ़ा रमज़ान वैसे बहुत ज़्यादा, यू नो, ये फास्टेस्ट रमज़ान एवर था। बहुत जल्दी इस बार गुजर गया, वाकई बहुत ज़्यादा जल्दी। आपको इस टाइम मैं चंपू टाइप लग रही होगी क्योंकि मैंने बालों में ऑयल लगाया हुआ है। ऑब्वियसली अब कल ईद है तो बाल इतने ज़्यादा रफ़ हुए हुए थे, ड्राई हुए हुए थे, सो मुझे ऑयल लगाना ही पड़ा। सो दैट्स वाई मैंने ऑयल लगाया हुआ है, इस वजह से मैं आज बड़ी वो चंपू टाइप लग रही हूँ। कल आपको पता लगेगा कि मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। कल आप लोगों को पता लग जाएगा, ये बस यू नो लाइक यार ऐसे ही होता है, ये तैयारी से पहले बंदा ऐसे ही होता है। ओके, सब आप लोग घर में भी ऐसे ही होते हो, ठीक है ना? तो मैं नेचुरल बंदी हूँ तो मैं अब क्या कर सकती हूँ। ऑयल मैंने आपके सामने नहीं लगाया, मैंने पहले से लगा लिया था। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी स्किन केयर कर ली जाए। मैं अपना सोच रही हूँ मास्क लगा लूँ, सही है ना? थोड़ा सा स्किन ग्लो करनी चाहिए यार, भाई ईद है, क्या हो गया? स्किन ग्लो करेगी तो अच्छा होगा ना। तो मैं मास्क लगाती हूँ, ठीक है? आए आप ही चलें, मैं आपके सामने लगा लेती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। लेट्स गो। सो गाइस, मास्क की बात आए तो मास्क में सबसे ज़्यादा बेटर जो मास्क है वो मेरे लिए मड मास्क है। ये जो मुल्तानी मिट्टी है ना, कमाल है। और मज़े की बात यह है कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए सब पे सूट कर जाती है और सब पे इतना अच्छा रिजल्ट देती है। तो ईद के लिए तो ये मास्क ही बेस्ट है और मैं यही लगाऊंगी। ठीक है, सो गाइस, आई एम गोना मेक माय मास्क, मर्ड मास्क, मुल्तानी मर्ड मास्क। मैं थोड़ा सा लिया है और इसमें अब मैं डालूंगी, क्योंकि मेरा छोटा सा फेस है, मैं छोटी सी तो हूँ, मैं मशहूम सी हूँ, मैं कुछ इतनी मोटी हूँ, तो उसमें फिर मैं बस रोज़ वाटर डालूंगी और लगा लूँगी, कितना सा पूरा आ जाएगा। ठंडा स्किन को फ्रेश कर देना, इसमें फ्रेश ग्लोइंग स्किन हो जाएगी मेरी, मज़ा आ जाना है। तो मिक्स एंड मिक्स। चले आप बोले पहले, मोहम्मद की लैंग्वेज अगर आपको समझ आती है तो आपको पता लग जाएगा ये क्या कह रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता लग रहा। इसने बस हर चीज को ना करना है। चले बस कर दे, क्या कह रहे हैं आप मम्मी, कहना क्या चाह रहे हैं? ड्राई होने का वेट करूंगी, सो टिल देन आप भी वेट करें। सो मैंने फेस वॉश कर लिया है, अब बताएं मेरा फेस कैसे ग्लो कर रहा है। अभी वेट है, मैं कभी भी टॉवल या टिश्यू यूज नहीं करती इसे ड्राई करने के लिए, स्किन को मैं खुद ही ड्राई होने देती हूँ, हवा में खुद ही हो जाए। टॉवल से तो बेटर ही है, खुद ही हो जाएगा ड्राई। जब ये ड्राई हो जाएगा फिर आप देख के बताइएगा कि मेरा फेस ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। कर ही रहा होगा, मुझे पता है। सो गाइस, मेरा फेस अब ड्राई हो चुका है, आई होप आपको फ्रेश एंड ग्लोई इफेक्ट आ रहा होगा। सो मास्क हो गया, अब हम कपड़े और ज्वेलरी वगैरह निकाल के साइड पे रख लेते हैं ताकि सुबह कोई प्रॉब्लम ना हो, सही है ना?
मैं निकाल के रखी, तो सूट तो आपने मेरा वैसे ही पहले भी देखा हुआ है, ज्वेलरी मैं देखती हूँ क्या करना है, क्या नहीं, ज्वेलरी कर सकते हैं, करते हैं, लेट्स गो। सूट का तो शुक्र है मुझे प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, तो मैं ऐसे ही रह गया, तो ज्वेलरी का देखते हैं मेरे साथ किताब लगाते हैं। अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, तो कल आप लोग देखना मुझे, पता लगेगा ईद किसे कहते हैं। मेरा ऑलमोस्ट सब रेडी है, मैं बड़ी अच्छी बच्ची हूँ, मैं सब कुछ रेडी करके ही रखती हूँ। हाँ जी, सो ड्रेस भी रेडी है, ज्वेलरी भी साइड पे कर ली है, और मास्क भी लगा लिया है। कुछ हो गया क्या, रह गया मेहंदी, मेन चीज तो रह गई है मेहंदी, जस्ट अब मेहंदी लगाते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, अब हम सबसे मेन काम करने लगे जिसके बगैर ईद का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है मेहंदी के बगैर। सो अब मैं लगाने जा रही हूँ मेहंदी, आप बताइएगा मुझे कैसी लगी है, कैसी ये वाला डिज़ाइन मैं लगवाने जा रही हूँ। सो अब होने लगा है स्टार्ट, लेट्स गो। मेरी मेहंदी लग रही है, ये जब रेडी हो जाएगी, अभी लग रही अभी बहुत टाइम लगना है, जब रेडी होगी फिर आपको दिखाऊंगी, सही है ना, अभी तो बहुत टाइम लगना है, अब जब लग जाएगी तभी आपको दिखा दूंगी। सो गाइस, मेरी कुछ मेहंदी लग गई है, बाकी अभी कुछ लगनी बाकी है, आहिस्ता आहिस्ता लगती रहेगी, इतना टाइम लो। कुछ खा लो, अब कुछ खा भी लो, ये सब कुछ तो होता ही रहना है। आपको पता है मुझे भूख लग जाती है, सो मुझे भूख लगी भी हुई है, मैं थक भी बहुत गई हूँ, बैठ बैठ गया, लेकिन निम्रा मुझे वीडियो तो बना रही था। सो गाइस, आपने पूरी मेहंदी देखे मेरी क्या करना है, आप कल ही देखिए, अगर आपने सब कुछ आज ही देख लेना तो कल क्या देखना है, कल क्या देखना है, आप ना आप मेरा कल तक का वेट करिएगा, कल वाली लुक मेरी कमाल होने वाली है, ठीक है। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको मज़ा आया होगा बहुत ज़्यादा, आपने मेरी चांद रात देख ली, अब आप ईद देखिएगा, ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।